वो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना कंप्लीट हो गया था, और जैसा अपना प्लान होता है न्यू वीक न्यू चैप्टर, तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। और इसके भी लगभग दो क्वेश्चन आते हैं, डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और मैट्रिक्स का भी एक क्वेश्चन अलग से आता ही है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, ट्रिक भी काम आती हैं, तो इसीलिए स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। न्यू टॉपिक, एकदम नया चैप्टर, सिंपल है और एग्जाम में काम आएगा। तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स हिंदी में सारणिक और आव्यूह। तो चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए कॉपी पेन निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट एंड मैट्राइसेज कहते हैं इसको, मैट्राइसेज हिंदी में इसका मतलब सारणिक, और इसको कहते हैं आव्यूह। सारणिक और आव्यूह अपने चैप्टर का नाम है, न्यू चैप्टर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, और सैटरडे की जो अपनी क्लास है वो यूट्यूब पे डलवा देंगे बेटा, आज बात कर लेंगे, आज बोल देंगे हम ना। अभी बेटा ये लिखना स्टार्ट करो, दुर्गेश, दुर्गेश बेटा ये लिखना स्टार्ट करो। हाँ बेटा, तभी तो ये स्टार्ट कर दिया बेटा। हाँ बेटा, ये मेन टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। राम राम बेटा, राम राम। अवनीश, हेलो। हाँ जी, जेके शर्मा बोस नीचे चले गए, अभी आने थोड़ी देर में। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, सबसे बढ़िया चैप्टर है, कोई बात नहीं है। इसके बाद 11th के चैप्टर पे आएंगे बेटा, टेंशन मत लो, 11th के चैप्टर पे ही आएंगे इसके बाद, ठीक है बेटा। तो इसके बाद 11th के चैप्टर पर आएंगे, 11th के चैप्टर 2D वगैरह करवाएंगे, 11th के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और 2D वगैरह, ठीक है। तो चलिए बेटा, अभी अपना चैप्टर है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा आ जाओ डिटरमिनेंट पर। पहले अपने बात लगे था, आगे तो फोन आ रहा था, तो स्टार्ट करना डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सारणिक क्या होता है? सारणिक सबसे पहले तो डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, स्टाफ से मान लो है ये, ऐसा रिप्रेजेंटेशन मान लो ये है, ठीक है, दो डंडों के बीच इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट है बेटा, स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा, न्यू चैप्टर है दुर्गेश, न्यू चैप्टर है, एकदम बढ़िया नया चैप्टर है बेटा, स्टार्ट कर दो लिखना। तो ऐसा ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को कहते हैं डिटरमिनेंट, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इसमें क्या है, चार एलिमेंट है, 1 2 3 4, दो रो है 1 2, दो कॉलम है 1 2, ऐसा हॉरिजॉन्टल में रो होती है, ऐसे वर्टिकल में कॉलम होते हैं, रो कॉलम पंक्ति स्तंभ 1 2, दो पंक्तियां 1 2, दो कॉलम, तभी ये जो डिटरमिनेंट है ये 2/2 का डिटरमिनेंट कहलाता है, जिसका आंसर जो होता है वो है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आता है AD-BC। यानी कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा कभी होता है, ये अपना 1 2 3 4, तो आंसर आता 4-6 यानी कि -2,
माइनस टू। आयुष, जय हिंद। उपेंद्र, गुड मॉर्निंग। उपेंद्र गुड मॉर्निंग। लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, टू बाय टू का डिटरमिनेंट। तीसरा एग्जाम्पल मान लो लेते, कोई डिटरमिनेंट है मान लो टू फाइव वन सेवन, सेवन इंटू टू फोर्टी माइनस फाइव बन गया फाइव, फोर्टी माइनस फाइव नाइन, इसका आंसर आ जाता। तो टू बाई टू का डिटरमिनेंट तो सिंपल है बेटा, समझ आ गया सबको। गुड मॉर्निंग, जय हिंद बेटा। लिखना स्टार्ट कर दो ब्रजेश। नाइन, प्रदीप बिल्कुल सही बात है, नाइन। तो चलिए बेटा अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे। मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है वन टू थ्री एक्स इक्वल टू 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 थ्री फाइव, थ्री फाइव ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट। ध्यान बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, ध्यान एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है। अंशु बेटा गुड मॉर्निंग। अवनीश कह रहे हैं एक्स इक्वल टू फाइव, अवनीश कह रहे हैं एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव। अनमोल का क्या आंसर आया है, अनमोल भी कह रहे हैं फाइव, नीतेश भी कह रहे हैं फाइव, ब्रजेश ने बोला है टेन, ब्रजेश ने बोला है टेन, आयुष बोल रहे हैं टेन। चलिए बेटा इस तरह का डिटरमिनेंट का जब क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट इसका आंसर नहीं देना है, सॉल्व करना है। तो एक्स का इंटू करोगे तो ये आएगा एक्स माइनस थ्री टू या सिक्स, इधर करोगे तो आएगा फाइव टू या टेन माइनस थ्री टू या सिक्स, तो ये सिक्स और सिक्स कट जाएगा, एक्स इक्वल टू टेन बचेगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ये जो कपिल ने बोला, भानु ने बोला, दुर्गेश ने बोला, टू गलत हो गया, भानु का सही है, कपिल का सही है, तो आंसर आया है टेन। उपेंद्र ने बोला फाइव, गलत हो गया बेटा उपेंद्र, इसका सही आंसर है टेन, सही आंसर इसका है टेन। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, एलिमेंट इक्वल को नहीं देखना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं देखना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करके आंसर आएगा। दुर्गेश सही आंसर है टेन, समझ में आ गया। तो चलिए बेटा दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, मान लो फाइव, एग्जाम्पल नंबर फाइव, एक्स वन थ्री फाइव इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स की वैल्यू बता करो कितनी है, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव। कोई बात नहीं बेटा दुर्गेश, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अभी क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दो, भानु का आंसर आ रहा है वन, आयुष का भी आंसर आया वन, भानु ने आंसर दिया वन, आयुष कह रहे हैं वन, अमन सिंह चौहान कह रहे हैं वन अपॉन फाइव, अमन सिंह चौहान कह रहे हैं वन अपॉन फाइव, ब्रजेश बघेल कह रहे हैं वन अपॉन फाइव, और भानु ने बोल दिया था वन, आयुष ने बोल दिया था वन। चलो बेटा देख लेते हैं इसका आंसर सही क्या है। सही इसका आंसर क्या है, फाइव का इंटू एक्स में करोगे तो फाइव एक्स माइनस थ्री बन जाए थ्री इक्वल टू आएगा पांच दो दस माइनस चार तीन बारह, तो फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू दस में से बारह माइनस कर लो माइनस का दो, तो फाइव एक्स इक्वल टू आएगा थ्री माइनस टू यानी कि वन बचेगा, एक्स इक्वल टू वन अपॉन फाइव, बिल्कुल सही आंसर है। अमन सिंह चौहान का आंसर सही है, कपिल ने भी बोला वन अपॉन फाइव आएगा, प्रदीप का आंसर 1.5 सही है, भानु कुशवाहा ने बोला 1.5, अनमोल का आंसर 1.5 है, भानु दाकर ने पहले 1 बोला था वो गलत था, उपेंद्र ने बोला है 1 वो गलत है,
उपेंद्र काकड़ वन को वन वन बोला वो गलत है, दुर्गेश का आंसर 1.5 आया सही है, भानु धाकड़ ने आप बोला 1.5। भानु धाकड़ बेटा पहले गलत आंसर क्यों दिया था तुमने, भानु धाकड़ पहले गलत आंसर कैसे आ गया था, अभी तो ठीक है संजय का भी आंसर 1.5 आ गया है, उपेंद्र धाकड़ वन आंसर कैसे आ रहा है, उपेंद्र धाकड़ वन आंसर कैसे आ रहा है, भानु धाकड़ तुम्हारा वन पहले कैसे आ गया था, वन कैसे आ गया था। चलिए बेटा ये 2/2 का डिटरमिनेंट समझ में आ गया सबको, 2/2 का डिटरमिनेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इतना स्लो चलने से काम नहीं बनेगा, तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट। 3/3 का डिटरमिनेंट लेते हैं एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है बेटा, तो बोलो बेटा ये 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है क्या, चलो जरा एक बार बता देते हैं, एक बार समझा देते हैं, रिवाइज कर लो। 3/3 का डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका एक देख लो। चलो मान लो सॉल्व किया हमने, ये वाला एलिमेंट लिया वन, ये वन एलिमेंट लिया तो ये वाली रो हट जाती है, ये कॉलम हट जाता है, ये वाले रो हट जाएगी, ये रो हटेगा, कॉलम हटेगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 5, 6, 8, 9 ये एलिमेंट को माइनस कर लेते हैं, ये एलिमेंट को माइनस कर लेंगे 2, तो यहां बचेगा अपना, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी, तो 4, 6, 7, 9 बचेगा प्लस का 3, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 4, 5, 7, 8। सॉल्व कर लो अभी, 9 × 45 − 8 − 40 − 2 − 36 − 8 − 42 − 38 − 7 − 35 − 43 − 48 − 38 − 2 − 7 − 43 − 2 − 36 − − 3 − 2 − 36 − 38 − 2 − 36 − 38 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36 − 2 − 36
माइनस तीन तक के नौ आंसर आ गया जीरो। ठीक है बेटा अरुण, तो थ्री बाय थ्री का डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का तरीका याद आ गया। अमित बघेल ने जीरो बोल दिया है, भानु दाकड़ माइनस थ्री बोल रहा है, गलत हो गया बेटा भानु, जीरो आंसर आ रहा है। हाँ बेटा दुर्गेश कह रहे हैं माइनस का छ, दुर्गेश कह रहे हैं माइनस का छ, माइनस का छ कहां दिख रहा है दुर्गेश, दुर्गेश माइनस छ कहां से दिख रहा है बेटा तुम्हें, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है इसको, फर्स्ट रो से। हाँ प्रदीप सही है, जीरो आंसर सही है तुम्हारा, दुर्गेश माइनस छ पता नहीं कैसे कह रहे हैं, कहां से कह रहे हैं। नीतेश सही आंसर है बेटा, तो थ्री बाय थ्री का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका याद आ गया अपना। भानु कुशवाहा जीरो सही है बिल्कुल, तो थ्री बाय थ्री का डिटरमिनेंट अभी ट्वेल्थ में था, याद आ गया कैसे सॉल्व करना है इसको। अमन सिंह चौहान बेटा अगर ऐसा कुछ जानना चाहते हो तो चलो हम तो बता देते हैं क्या करना है। ओके बेटा,
चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम तुम्हें, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू, ऑप्शन पहला ऑप्शन जीरो, दूसरा ऑप्शन पंद्रह, तीसरा ऑप्शन अठारह, चौथा ऑप्शन माइनस अठारह, आंसर टीम। चलिए बेटा बोलिए इसका आंसर, बोलिए क्या है बेटा इसका आंसर, बोलो कितना आ रहा है। अमन सिंह चौहान ने आंसर बोल दिया माइनस 18 डी। अमित बघेल का भी आंसर आया डी। अमन सिंह चौहान ऊपर बोला इसने माइनस 18, नीचे बोल रहा है जीरो, जी क्या मतलब हुआ। पहले इसने आंसर बोला माइनस 18, उसके बाद आंसर आ रहा है इसका जीरो। प्रदीप कुमार ने बोला डी। अरुण सिंह तोमर कह रहे हैं 18 प्लस का 18 नहीं, अरुण सिंह बेटा प्लस का 18 नहीं है, माइनस का 18 आ रहा होगा। अरुण बेटा माइनस 18 आ रहा होगा, चेक करो जरा। अरुण सिंह तोमर, हाँ ठीक है बेटा डी सही है। तो बोलो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं क्या हम, ये क्वेश्चन बोलो सॉल्व करके दिखाएं। हाँ बेटा सही है, तो ये बोलो बेटा ये क्वेश्चन, दुर्गेश सही आंसर, ये सही आंसर है दुर्गेश बेटा। ये बोलो ये क्वेश्चन किसी को सॉल्व करके दिखाना है क्या, क्वेश्चन सॉल्व करके तो नहीं दिखाना आप। सबका आंसर डी आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करके तो नहीं दिखाना। संतोष का भी आंसर सही आ गया, दुर्गेश ने बोला डी। हाँ बेटा तो चलिए बेटा फिर बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी एक कोई तो बालक कह रहा था, नहीं बेटा ठीक है बेटा, अभी एक बालक कह रहा था कि सर वो अगर टर्म्स एपी में होते हैं तो वो जीरो आ जाता है, तो उसके लिए बेटा नोट कर लो जरा नोट कि डिटर्मिनेंट में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना यानी कि एक्सपेंशन पढ़ना है इसका, एक्सपेंशन पढ़ना, एक्सपेंशन पढ़ना है। दूसरी बात क्या है, माइनर को फैक्टर पढ़ना है, माइनर एंड को फैक्टर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीसरी बात पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। फिर पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी कंडीशन, कोलिनियरिटी कंडीशन। उसके बाद पांच नंबर पर पढ़नी है ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स में क्या है, सारी चीजें हम बाद में बता देंगे, केवल शॉर्ट में नोट कर लो ट्रिक्स। ये पांच पॉइंट इसके नोट कर लो बेटा, प्रदीप बेटा हिंदी में एक्सपेंशन को कहते हैं प्रसार, हिंदी में नंबर वन को कहते हैं प्रसार, दूसरा होता है उपसारणिक और सेकंड को
उपसारणिक एंड सेखंड और इनके उपयोग प्रॉपर्टी तीसरा नंबर पे है प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट सारणिक के गुण चौथे नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल और पांचवा नंबर में तो जानते ही हो त्रिक ठीक है प्रदीप बेटा जल्दी नोट कर लो प्रदीप नोट कर लिया अब बेटा अपन अभी आ रहे हैं अभी अपने टॉपिक्स पे आ रहे हैं सारे टॉपिक्स हमने बता दिए हैं डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन अभी बता दिया हमने एक्सपेंशन तो बता दिया अभी माइनर को वेक्टर पे अभी आते हैं एक्सपेंशन बता दिया है चाहे वो 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो ठीक है बेटा चलिए तो अब आते हैं कोफैक्टर और माइनर पर हेडिंग में डालो बेटा नंबर 2 माइनर एंड कोफैक्टर तो मान लो ये डिटरमिनेंट अपना 2/2 का लिया हमने 1, 2, 3, 4 इसका निकाला माइनर M11 लिखते हैं मीनिंग होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर तो फर्स्ट रो हट जाएगा फर्स्ट कॉलम हट जाएगा क्या बचेगा 4 फिर निकाला M12 तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा 3 फिर निकाला M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा 2 और M22 निकालना होगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हटेगा आंसर आएगा 1 ये बोलो माइनर क्लियर है माइनर सुनने आ गया बेटा ये माइनर 2/2 डिटरमिनेंट के माइनर सुनने आ गए 4321 सही है भानु बिल्कुल सही बोला माइनर 4321 कपिल बेटा इतनी देर से राधे राधे क्यों हो रही है कपिल दुबे इतनी देर से राधे राधे क्यों हो रही है कपिल चलो अब मान लो निकालना है हमें को फैक्टर तो C11 या इसका सिंबल कभी A11 भी होता है A11 A11 भी होता है क्या करना है -1 की पावर 1+1 और M11 तो -1 की पावर 1 ये 1 कौन सा है ये वाला 1 है ये वाला 1 तो -1 की पावर 2 हो गई इवन नंबर है प्लस का आएगा और M11 कितना है 4 अब मान लो निकाला C12 तो -1 की पावर 1+2 और M12 तो -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगी M12 कितना 3 तो -3 हो जाएगा C21 निकालोगे तो -1 की पावर 2+1 M21 ये भी नेगेटिव है तो M21 कितना तो ये -2 आएगा और C22 निकालोगे तो -1 की पावर 2+2 होगा और M22 -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस की आएगी M22 कितना 1 तो ये आ गया अपने कोफैक्टर्स कोफैक्टर समझ आ गए कोफैक्टर क्या है समझ आ गया प्रदीप 4-3-2 1 सही है बेटा सब लोग जरा मार्क कर लो उसको नोट कर लो जरा नोट कर लो बेटा से हो गया कंप्लीट कर लिया सबने कोफैक्टर माइनर ये कंप्लीट कर लिया कोफैक्टर क्या होता है माइनर में जब प्रॉपर साइन लगा दें
माइनर में जब प्रॉपर साइन लगा लें प्लस या माइनस का तो वो कोफैक्टर कहलाता है, कोफैक्टर बन जाता है, हिंदी में सेकंड कहते हैं। ओके कपिल दुबे, इतने से पता नहीं कहां थे तुम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट। 3/3 का डिटरमिनेंट मान लो ये दिया हमने 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 और इसके मान लो माइनर फाइंड करना है तो m11 वही है -1 की पावर 1 प्लस 1। अरे सॉरी m11 निकाल रहा है ना, माइनर निकाल रहा है। हाँ माइनर तो m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 3 2 6 -1 यानी कि 5 आएगा। m12 निकालोगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -3 यानी कि 1 बचेगा। m13 निकालना होगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटेगा 2 -9 तो बचेगा -7। अभी अगर मान लो m21 निकालना है, m21 तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा तो क्या आएगा, वही आएगा अपना 4 -3 यानी कि 1। M22 निकालना होगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हटेगा तो 2 -9 -7 आएगा। M23 निकालना होगा, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम हटेगा 1 -6 यानी कि -5 आ जाएगा। ऐसे ही M31 निकाल लेना, M31 कितना आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -9 -7 M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -6 -5 और M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हटेगा 3 -4 यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, दुर्गेश कौन सी बात समझ में नहीं आई है? दुर्गेश दुर्गेश कौन सा वाला टर्म समझ में नहीं आया है? m11 m12 m13 के m21 m22 m23 के m31 m32 m33। दुर्गेश कौन सा समझ में नहीं आया है? कोई भी बोलो समझा देते हैं दोबारा। दुर्गेश बोलो कौन सा समझ में नहीं आ रहा है? कपिल बेटा तुम्हारा तो हो गया, ठीक है बेटा। ये दुर्गेश कह रहा था समझ में नहीं आया, तो कौन सा टर्म समझ में नहीं आ रहा है एक फिर से समझा देते हैं। दुर्गेश अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं बेटा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बेटा ये तो माइनर हो गए। अभी मान लो को फैक्टर फाइंड करना है तो C11 वही है -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 तो पॉजिटिव आएगा। M11 कितना है 5 रहेगा। C12 निकालना होगा तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 आएगा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 3 हो रही है। M12 कितना है 1 है तो -1 हो जाएगा। C13 -1 की पावर 1 प्लस 3 4 हो गया। M13 पॉजिटिव आएगा, M13 कितना -7 तो -7 ही रहेगा। -7 C21 कितना आया बताओ, C22 कितना आया बोलो, C23 कितना आया बोलो और ऐसे ही C31 कितना आया, C32 कितना आया, C33 कितना आया बोलो जल्दी। समझ में आ गया होगा आंसर बोलना है। बालू ने जवाब दे दिया दुर्गेश, M22 कह रहे हो दुर्गेश।
सुन लो कहाँ है M22, ये लिखा हुआ है M22 दुर्गेश, M22 के लिए क्या करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाना है। 2 का इनटू बाद में करोगे 2, 3 का इनटू 3 में करोगे 9, 2 माइनस 9 ये लिखा हुआ है दुर्गेश। M22 अभी समझ आ गया, बानू ने सारे को फैक्टर लिख दिए, प्रदीप कुमार ने भी सारे फैक्टर लिख दिए हैं। कपिल बेटा तुम सही कह रहे हो कि वो केवल माइनस वन की पावर से ही साइन चेंज हो जाते हैं, बस माइनर में प्रॉपर साइन लगाना होता है। कपिल तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। तो अरुण बेटा ये सब देख लो, ये अरुण तुमने माइनस वन माइनस सेवन फाइव बोला है, माइनस वन माइनस सेवन फाइव। सी टू वन कहाँ गया, सी टू वन माइनस का वन सही है बिल्कुल, सी टू टू माइनस का सेवन बिल्कुल सही है, सी टू थ्री माइनस का फाइव प्लस का फाइव हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सी थ्री वन कितना है, सी थ्री वन तुमने कितना बोला था, सी थ्री वन आदित्य सी थ्री वन ये एम थ्री वन है माइनस सेवन, तो सी थ्री वन आएगा अपना माइनस सेवन। सी थ्री टू है फाइव तो हो जाएगा माइनस फाइव, सी थ्री थ्री है माइनस वन तो ये माइनस वन ही रहेगा, तो माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस वन आएगा। माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस वन आदित्य, दुर्गेश समझ आ गया। अरुण बेटा क्या कह रहे हुआ क्या, अरुण बेटा क्या कहना चाह रहे हो समझ नहीं आया। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए बेटा कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, अगर समझना ही चाहते हो तो कॉन्सेप्ट को समझ लो बेटा। ये जैसे आ गया अपना, तो कॉन्सेप्ट को समझ लो जरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, नोट कर लेना अलग से समझ लेना। प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो सेकंड रो में लिया तो ऐसा आएगा वो ए टू वन तो सी टू वन प्लस ए टू टू सी टू टू प्लस ए टू थ्री सी टू थ्री, ठीक है। यानी कि क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू है लेना है कुछ, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या प्रॉपर्टी है, जिस रो का एलिमेंट ले रहे हैं, जिस रो के एलिमेंट उसी रो के को फैक्टर ले लें, जिस रो का एलिमेंट है उसी रो का को फैक्टर, जिस रो का एलिमेंट है उसी रो का को फैक्टर, जिस रो का एलिमेंट है उसी रो का को फैक्टर, अगर ऐसा ले लें उनका प्रोडक्ट करें और फिर कॉरस्पॉन्डिंग को प्लस कर दें, ऐसा करने से क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आती है, डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाती है, ये प्रॉपर्टी है। अब ऑप्शन इसमें ऐसे होते हैं, मान लो ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें कि ये वैल्यू क्या होगी, कि डेल्टा होगी, कि माइनस का डेल्टा होगी, टू डेल्टा होगी, थ्री डेल्टा होगी, ऐसे ऑप्शन इसमें आ सकते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी मालूम है तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा कितना, डेल्टा, और नहीं मालूम होगी प्रॉपर्टी तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छी प्रॉपर्टी है, समझ लो, नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है बेटा। चेक करना है तो अभी चेक कर लो बेटा, इसे चेक कर लेते हैं, चलो बेटा चेक कर लेते हैं, आ रहा आंसर कि नहीं आ रहा। A21 कितना था, 2। C21 कितना आया था, C21 आया था माइनस वन, प्लस A22 कितना था, 3, और C22 कितना आया था, C22 आया था अपना माइनस सेवन, प्लस A23 कितना था, 1, और C23 कितना था, C23 था अपना प्लस का 5, C23 था प्लस का 5,
10 का 5 सॉल्व कर लो, ये आ गया -2 और ये कितना हो गया माइनस का 21 और ये बच गया प्लस का 5 21 और 2 माइनस का 23 प्लस का 5 आंसर आ गया -18 पहले भी यही आंसर आया था इसका डिटरमिनेंट का आंसर यही आया था बेटा अरुण ये A12 जो लिखा हुआ है A21 जो लिखा हुआ है ये A means होता है एलिमेंट A means क्या है एलिमेंट A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ठीक है A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी कि A11 क्या होगा A11 होगा अपना फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसका मतलब A31 अगर लिखा होता तो इसका मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो कितना आएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना आएगा 3 आएगा ठीक है और A11 अगर लिखना होगा तो A12 लिखना होगा A12 कितना आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 2 आएगा अरुण बेटा ये समझ आ गया क्या होता है ये A11 A12 क्या है समझ आ गया A11, A12, A31 क्या है समझ आ गया क्या सबको A11 क्या है C11 क्या है समझ आ गया M11 क्या है समझ आ गया ये समझ में आ गया क्या ओके बेटा आगे बढ़ते हैं तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है जरा उसको नोट करें सेकंड प्रॉपर्टी को नोट करें सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो ऐसा लिया A21 C1 A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है उसका आंसर क्या आना चाहिए अरुण बेटा क्या कहना चाह रहे हो गया खेल मतलब क्या कहना चाह रहे हो अरुण क्या कहना चाह रहे हो क्लियर बोलो मतलब समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो अरुण क्या कहना चाह रहे हो C32 कितना होगा 5 होगा
भानु दादर क्या कहना चाह रहे हो अभी? अमन तुम्हारा आंसर सही है। अवनीश फर्स्ट वाली को दोबारा समझाना है। चलो फर्स्ट वाली दोबारा समझा देते हैं। इसका आंसर आएगा जीरो, हमेशा याद रखना ये जीरो। क्या है इसमें कि हमने एलिमेंट तो लिए हैं फर्स्ट रो के, फर्स्ट रो देखो देख रही है वन वन वन, तो एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर लिए हैं सेकंड रो के टू टू टू। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया है पर कोफैक्टर लिए हैं सेकंड रो के, ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा हमेशा कि किसी एक रो के एलिमेंट्स हों कोई दूसरे रो के कोफैक्टर ले लें तो उनको अगर इंटू करके प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा जीरो ही रहता है। चलो भानु जाकर दोबारा समझ लो। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एग्जांपल लिया हमने, डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है अपना वन थ्री फाइव टू थ्री सेवन थ्री फाइव टू, ऐसे कुछ भी दे दिया है। तो यहां पर अगर ए वन वन की बात करें, ए वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वन, ए वन टू की बात करें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट थ्री, और ए वन थ्री की बात करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा फाइव। पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ए टू वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट टू, ए टू टू सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना आएगा थ्री, ए टू थ्री सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना आएगा सेवन। भानु धाकड़ अभी क्लियर हुई है वन टू वन थ्री क्या है, ए वन क्या है ये? भानु धाकड़ हाँ वो ठीक है, भानु धाकड़ समझ आ गया ये ए वन वन ए वन टू क्या चीज होती है। भानु धाकड़ अब तो क्लियर है ए वन वन क्या है ए वन टू क्या है। भानु धाकड़ समझ आ गया? अरुण सिंह तोमर पहले कह रहे थे कि मेथड समझ में आ गया नेक्स्ट, अभी अरुण सिंह कह रहे हो मेथड गया। ये मेथड गया क्या मतलब हुआ, क्या कुछ तो भी लिखते हो क्या ये मेथड गया? अरुण सिंह तोमर मेथड गया का मतलब क्या है? चलो अब मान लो निकालना है M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा क्या बचेगा थ्री टू या सिक्स, थ्री टू या सिक्स माइनस पांच सत्तर पैंतीस कितना आएगा माइनस ट्वेंटी नाइन। एम वन टू निकालो कितना आएगा M12, फर्स्ट रो हटेगी सेकंड कॉलम हटेगा आएगा फोर माइनस इक्कीस, फोर माइनस इक्कीस कितना आ गया माइनस सत्रह। एम वन टू निकालो एम वन थ्री निकालोगे एम वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटेगा पांच दूनी दस माइनस तीन तक के नौ यानी कि प्लस का वन बचेगा एम वन थ्री। एम टू वन निकालो एम टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा तीन दूनी छ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा तीन दूनी छ माइनस पांच पंगे पच्चीस माइनस का उन्नीस। एम टू टू निकालोगे एम टू टू निकालोगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटेगी
सेकंड रो सेकंड कॉलम हटेगा, 2 माइनस 5 दिया 15, 2 माइनस 15 माइनस का 13 बचेगा, M23 निकालो, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम हटेगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटेगा, 5 माइनस 3 तक 9 माइनस की 4 बचेगी। अब निकालो C11 निकालो, C12 निकालो, C13 निकालो, उसके बाद C21 C22 C23 निकालो। चलो पता करो कितना आंसर आ रहा है। हो गया बेटा। अवनीश कह रहे हैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी समझा दो, तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को अपनी समझ लो फिर से एक बार। तो C11 कितना आया था अपना, C11 कितना आएगा, M11 C11 माइनस का 29 वही रहेगा, C12 कितना आएगा, C12 नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस का 17 बन जाएगा, C13 M13 इक्वल रहेगा, कितना रहेगा 1। ये तो हो गया। अब मान लो कह रहे हैं प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी बताना है, तो पहली प्रॉपर्टी को समझ लो। पहली प्रॉपर्टी मान लो लिया A11 तो C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, सॉल्व कर लो कितना आएगा, A11 कितना है A11 1, C11 कितना है माइनस 29, प्लस A12 कितना है A12 कितना है 3, C12 कितना है C12 है 17, A13 कितना है A13 5, C13 कितना है 1, सॉल्व कर लो, माइनस 29 प्लस 17 51 प्लस 5 5, माइनस 29 प्लस 56 माइनस कर लो तो कितना आएगा 27 इसका आंसर आएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करके देख लेना 27 आ रहा होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देख लो 27 ही आ रहा होगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो भी क्या लिखोगे 1, और कितना आएगा 3 × 6 माइनस 7 × 5 35 माइनस 3 कितना आएगा 2 × 4 माइनस 7 × 21 प्लस 5 कितना आता है 5 × 10 5 × 10 माइनस 3 × 9 6 में से 35 माइनस करो माइनस 29 4 में से 21 17 17 × 17 = 51 प्लस का 51 और प्लस का 5 तो वही आ गया माइनस 29 प्लस 5 56 में से माइनस कर लो वही 27 आंसर आ रहा है। समझ आ गई बात, अब तो क्लियर है ये प्रॉपर्टी, अब तो ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। एक मान लो ये डिटरमिनेंट है अपना, टू फाइव सेवन 3 4 3 4 2 3 4 2 1 2 3, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है,
a11 c21 plus a12 c22 plus a13 c23 इक्वल टू क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन डेल्टा, दूसरा ऑप्शन माइनस डेल्टा, तीसरा ऑप्शन 2 डेल्टा, चौथा ऑप्शन 0। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट दे रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट है a31 c31, a32 c32, a33 c33 इक्वल टू क्या? ऑप्शन वही है, मान लो पहला डेल्टा, दूसरा माइनस डेल्टा, तीसरा 2 डेल्टा और चौथा है 0। चलो बता बेटा, इस फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड वाले का आंसर क्या है? नहीं, 0 तो बोला तुमने, अब ये कौन से वाले का 0 बोल रहे हो? फर्स्ट का 0। ये मान लो फर्स्ट है, ये 7 नहीं है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका आंसर क्या है? 0। आदित्य 7D, पता नहीं क्या लिख रहे हो, सेकंड का ब्रजेश, सेकंड का डेल्टा सही है और फर्स्ट का 0। हाँ, अमन सिंह चौहान, फर्स्ट का 0, सेकंड का ए नहीं है, वो डेल्टा है, फर्स्ट का 0, सेकंड का डेल्टा, ये सही है बिल्कुल। ब्रजेश ने बिल्कुल सही तरीके से आंसर दिया है, फर्स्ट का 0, सेकंड का डेल्टा, अमन सिंह चौहान ने बिल्कुल सही तरीके से आंसर दिया, ब्रजेश ने भी सही तरीके से आंसर दिया है। ऐसे आंसर लिखना होता है जो क्लियर सुनना है हर किसी को, कि फर्स्ट का 0, सेकंड का डेल्टा, ऐसा आंसर लिखना है। 10 ऐसे लिख देते हो क्लियर नहीं होता, सामने वालों को समझ में नहीं आएगा कि तुमने ये आंसर जो दिया वो किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। तभी यहाँ फर्स्ट का 0 हो रहा है और सेकंड का जो आंसर है वो डेल्टा होगा, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, समझ आ गया बेटा? तो अगर ये प्रॉपर्टी मालूम है तो इन क्वेश्चन के आंसर है बेटा, अगर ये प्रॉपर्टी मालूम है तो ये आंसर देने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बोलो बेटा, टाइम। अगर ये प्रॉपर्टी मालूम चल गई तो इनके आंसर देने में टाइम कितना लगेगा, टाइम बोलो। वो आंसर तो आ रहा है, सेकंड का डेल्टा, फर्स्ट का 0, आंसर तो हो गया। अभी तो टाइम बोलो, ये प्रॉपर्टी मालूम चलने के बाद इनके आंसर देने में टाइम कितना लगने वाला है, इनका आंसर बताने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा? चलिए बेटा, आज की बात ये रोकेंगे और कल इसको आगे बढ़ाएंगे, आज की बात ये रोकते हैं, ठीक है बेटा? थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल। आज उनकी क्लास नहीं होगी, और आज नितिन सर की क्लास नहीं होगी बेटा, वो सर नहीं गए।